कोरोना के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत सेना के जवानों ने जम्मू कश्मीर में भारत के आखिरी गांव में कैंप लगाया। ये गांव जम्मू के पुंछ जिले में एलओसी के बेहद करीब है, जहां पहुंचने के लिए सेना के जवानों को जंगली रास्तों की मुश्किल चढ़ाई और उतराई को पार करना पड़ा। सेना की मेडिकल टीम के साथ कुछ हथियारबंद जवान भी मौजूद रहे। पुंछ के देरी दबसी गांव में पहुंचने पर सबसे पहले गांव वालों की वैक्सीन की अहमियत के बारे में बताया गया, साथ ही डॉक्टरों ने उन्हें कई तरह की बीमारियों से निपटने के नुस्खे भी बताए। जिसका सेकंड डोज ड्यू है वो आज माम से इधर लगवा लेना है, ठीक है, काफी सारी वैक्सीन लेकर आए। जिस इलाके में सेना ने ये कैंप लगाया वहां आमतौर पर डॉक्टरों का पहुंचना मुश्किल होता है, इसलिए गांव वालों ने भी वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। काफी तादाद में गांव की बुजुर्ग महिलाएं भी वैक्सीन लगवाने के लिए सेना के कैंप में पहुंची। भारत के आखिरी गांव के लोगों ने इस अभियान के लिए सेना का शुक्रिया अदा किया। आर्मी की तरफ से यहां मेडिकल कैंप लगाया गया है और हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं। इतना ही नहीं, इस मेडिकल कैंप में लोगों को कोरोना के खतरे से जागरूक किया गया और तीसरी लहर आने की सूरत में बचने की सलाह भी दी गई। सौ बात की एक बात ये कि इससे पहले भी सेना के जवान दुर्गम इलाकों में लोगों तक मदद पहुंचाने का काम करते रहे हैं। इस बार सेना ने वैक्सीनेशन अभियान की तरह भारत के आखिरी गांव तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई और उस गांव के लोगों को वैक्सीन भी लगाई।